ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और इस ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के बाद जो भविष्य का पेमेंट इंडस्ट्री है, भविष्य की फिनटेक इंडस्ट्री है, उसकी जो प्रिंसिपल्स है वो तैयार होंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन लोग हैं जो इस पूरे फिनटेक फेस्टिवल के नींव का पत्थर थे, जिन्होंने इसको डिजाइन किया और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया, तैयार किया। सबसे पहले मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, अगर पिछली बार से बात करें तो कितना बड़ा रहा, कितने बड़े रिकॉर्ड टूटे? रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली बार से ये 3 गुना बड़ा रहा। पूरा का पूरा इंडस्ट्री का सपोर्ट रहा। करीब करीब 900 स्पीकर्स इस प्लेटफॉर्म पे ने बोले और पार्टिसिपेट किए। हमने बहुत सारा नॉलेज इंडस्ट्री के लिए क्रिएट किया, कुछ 22 रिपोर्टें और 80 वाइट पेपर रिलीज किए। करीब करीब 300 इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो स्टार्टअप्स ने उनको बहुत सारी पिच की। आंकड़े की बात करें तो करीब करीब $2 बिलियन वर्थ की कॉन्वर्जेशन हुई है इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के बीच में। और पूरे दिन में 65,000 फुटफॉल रहे हैं 3 दिन में, जहां तक पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो $2 मिलियन की कॉन्वर्सेशन हुई। $2 बिलियन की बात करें तो $2 बिलियन की कॉन्वर्सेशन हुई, जो कि इन्वेस्टमेंट होंगी स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और ये सिर्फ फिनटेक में हो रही है, पूरे डिजिटल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, केवल फिनटेक में जी। इतना बड़ा ये रहा है। इस बार की जो फेस्ट था उसके एक कोलैबोरेशन भी थीम थी, तो कोलैबोरेशन में किस तरह की डेलिब्रेशन निकल के आए हैं जो भारत की पेमेंट इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेंगे, और क्या उसका प्रभाव हमको लगता है ग्लोबल फिनटेक के पर भी पड़ेगा? क्योंकि ग्लोबली हम कई सारी चीजें हैं जो यहाँ भारत का इन्वेंशन है, तो बाकी लोगों को बता रहे कि देखिए हमारी चीज है, आप भी इसको फॉलो कर रहे हो। देखिए फिनटेक इंडस्ट्री जो है, यू नो, ग्लोबली इंडिया को एक लीडर माना जाता है ये फिनटेक इनोवेशन और फिनटेक इंडस्ट्री में। कैसे हम बेहतरीन प्रोडक्ट कम से कम दामों में एंड विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, ये जो बोलते हैं ना, ये सब सीख इंडिया से लोग लेते हैं। ये क्लियर एविडेंट हो गया है। तो इस आंकड़े की भी बात करें, ये साल हमारे पास 100 से अधिकतर देशों से डेलीगेट्स आए हुए हैं ये फिनटेक फेस्टिवल में। तो वो बोल रहे हैं कि आप जो चीजें तैयार कर रहे हो काफी सस्ती है, या मतलब कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है और रेजिलियंट है। इस साल का फिनटेक फेस्टिवल का भी मकसद यही रहा है, सस्टेनेबल, रेजिलियंट और इंक्लूसिव इकोसिस्टम। तो ये तीनों चीजें पूरा विश्व नोटिस कर रहा है भारत के बारे में। तो इस बार जितने भी ग्लोबल डेलीगेट्स आए हैं, 100 से अधिकतर देशों से ग्लोबल डेलीगेट्स आए हुए हैं, 30 से अधिकतर देशों में से स्पीकर्स आए हुए हैं, और इन सब जगहों से बात यही चल रही है कि हम भारत और विश्वभर में फिनटेक और पेमेंट इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन किस तरह से बढ़ा सकें अगले कुछ सालों क्यों नेक्स्ट ईयर में ही आप देखेंगे कि ज्यादा देश पार्टिसिपेशन होंगे। ये जो इवेंट है जो हम ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल बोल रहे हैं, वो इंडीड ग्लोबल होगा, और जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, जैसे 30 से अधिकतर देशों आए थे, सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये डेट्स हमारे कैलेंडर में मार्क करेंगे ताकि क्या डेट्स है लास्ट नेक्स्ट ईयर की, वो नवीन बताएंगे आपको कि नेक्स्ट ईयर की। एक आपका जो बड़ा इवेंट है, फर्स्ट इवेंट के दौरान देखा था कि इंडिया का टाइम आ गया, तो फिनटेक में तो इंडिया का टाइम पहले ही आ गया था, या अब आ गया, या बहुत ज्यादा आ गया? सर, इंडिया का टाइम तो आपके बाद बिल्कुल सही है। लास्ट 3 सालों से हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड के मैप में आ चुके हैं। अब ये हो गया है कि ये टाइम ऐसा है जिसमें सर फिनटेक में डोमिनेंस करने का समय चल रहा है। ओके, अब तक तो टाइम तो आ ही गया था। और वो जो टाइम आया था वो एक सेक्टर में, पेमेंट सेक्टर, ठीक है। अगर आप फिनटेक देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स है, क्रेडिट भी है, इंश्योरेंस भी है, फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी है। तो इंडिया में जो अंडर पेनिट्रेशन है बाकी सेक्टर में, जैसे पेमेंट्स में बढ़ा, मुझे याद है करीब 15-20 साल पहले हम करीब 3 या 4% के पेनिट्रेशन पे थे, आज आप 25% पेनिट्रेशन पे पेमेंट्स के। अगर आप इंश्योरेंस की बात करो तो अर्ली 4-5%, अब इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो वैसा ही है, क्रेडिट की बात करोगे तो अगेन काफी पीछे। अगर हम चाइना का बेंचमार्क लेंगे तो प्लीज 10 टाइम्स का फर्क है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं रहने वाले, हम उनको भी क्रॉस करने वाले। और ये सारे सर बात करें कि अब फिनटेक की मदद से सब में 5x 10x हो जाएंगे आराम से, इजीली। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 2-3 डिजिट अगले 15 से 20 सालों तक रहने वाले हैं, और जब ये ऐड होगी और आप ऑलरेडी 3rd नंबर पे हो, आप सोचिए आप कहाँ पहुंचे। बिल्कुल, तो मतलब हम लार्जेस्ट होंगे। जैसे इंडिया की इकोनॉमी 10 से जब 5 आएगी,
तब हम तीन पे थे, अब जब पांच से तीन पे जाएगी तो शायद हम सोच सकता है और दो रेट के बीच में होंगे, और जब हम लार्जर होंगे तो वो भी बढ़ेगी, तो ये कंट्रीब्यूट भी करेगा उसको बढ़ाने में और उससे हमको भी मदद मिलेगी, जैसे कोलैबोरेशन बढ़ेगा तो और बिजनेस बढ़ेगा। आरबीआई गवर्नमेंट चार बड़े प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इसको आप कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं? क्योंकि मुझे वो इवेंट याद है 11 मई 2016 का जिसमें यूपीआई लॉन्च हुआ था, और अब हम देख रहे हैं कि 10 बिलियन ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर, तो ये जो चार प्रोडक्ट है ओवरऑल पेमेंट इंडस्ट्री को कितना बढ़ा देगा? जी देखिए, ये स्पेसिफिक डेटा इस वक्त तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, और शायद दिलीप और प्रवीणा एनपीसीआई से ज्यादा अच्छा लगा सकेंगे, बट डेफिनेटली ये सारे गेम चेंजिंग प्रोडक्ट हैं। और जैसे हमने बताया कि ये चार तो वहाँ पे लॉन्च हुए, बट मेरा 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। ओके। और ये जैसे आपने बोला, अभी भी आप एक सेक्टर की बात कर रहे थे, आज हमने बात की थी अजय चौधरी सर से फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की, जो जस्ट स्टार्ट हुआ जिसमें बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। वैसे हम सीबीडीसी की अभी डिस्कशन चालू कर रहे हैं, तो जो फॉर्मेटिव डेज में यूपीआई 10-12 साल पहले था उस स्टेज में ये सारे प्रोडक्ट, आप इमेजिन कीजिए कि ये सारे जब स्केल होने लगेंगे तो क्या होने लगेगा। एक छोटी सी चीज जैसे गौरव ने बताई थी, $2 बिलियन वर्थ ऑफ डिस्कशन, और वो जैसे उन्होंने स्टार्टअप बोला बट उनका मतलब फिनटेक में हम सबको स्टार्टअप ही मानते हैं, अगर मैं लिस्टेड कंपनी हूँ तो भी वो अपने आपको स्टार्टअप ही समझता है। काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन भी करेंगे, तो जॉब क्रिएशन में क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा मकसद रहता है जो पॉलिसी हो या जो एंटरप्रेन्योर हो उनको सपोर्ट करो, जॉब क्रिएशन करे, जो आंकड़ा बता रहे हैं उससे तो लाखों जॉब भी क्रिएट। और आप सिंपल चीज सोचिए ना, आज अगर आप लास्ट टाइम आए थे इंडस्ट्री का इकोसिस्टम एक स्टेज पे था, हम छोटी जगह पे थे, सर्टेन लोग ये सारे लोग फिनटेक को रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को करते हैं। लोगों से बात भी करी तो सबने ये भी कहा कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो रही है फिनटेक की वजह से, जो कस्टमर एक्वायरेशन इजी हो गया है, ज्यादा रीच बढ़ गई है, तो हर इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडस्ट्री का म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, पेमेंट हो, सब कह रहे हैं कि फिनटेक की वजह से जो हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं जो काफी फायदा होगा। सो मेरा इतना ही कहना था कि जो अभी जैसे 65,000 लोग आए तो ये कहाँ से है, लास्ट टाइम 30,000 था, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ है इंडस्ट्री। आज इतना बड़ा बजट है पूरी इवेंट का जिसको इंडस्ट्री ने सस्टेन किया, बिकॉज वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, तो ये सारी इंडस्ट्री कहाँ से है? क्योंकि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ रही है और देश भी बढ़ रहा है। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि हमने देखा आपके फिनटेक फेस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर भी, आईआरडीए के चेयरमैन थे, रेगुलेटर, फिर सेबी चेयरपर्सन थी, फिर आरबीआई गवर्नमेंट, उनको आपने कोई एक ऐसी अपनी डिमांड रखी है जो आपको लग रहा है कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी आप चाहते हैं जिसपे जल्द से जल्द उसको सुना जाए और निपटाया जाए? देखिए ये फोरम और ये चीज मैं मेरे सारे मीडिया फ्रेंड से पूछ रहा हूँ कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है प्लेटफॉर्म का, एक डिमांड का नहीं है। ओके। ये फोरम है हम सबको साथ में आके ये सोचने का कि अगर जैसे जो एग्जैक्टली हुआ था, अगर हम भारत तीसरे नंबर पे अगर एक नंबर पे जाना है, ठीक है, तो इसमें हमारा सेक्टर क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे करेगा और क्या हो सकता है। बाकी तो हमारा जो एसोसिएशन है, चाहे पेमेंट काउंसिल है, चाहे फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल है, वो सारे रेगुलेटर से कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं कि आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, उनसे हमको क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसके लिए ये नॉलेज प्लेटफॉर्म की जरूरत ही है। जैसे देवल ने बताया ग्लोबल कोलैबोरेशन, वो यहाँ हो रहा है। जब यहाँ पे आज एक और स्टेटिस्टिक्स मैं देता हूँ, 120 कंट्रीज के पॉलिसी मेकर्स यहाँ थे अलग से, उनकी खुद की जो डिस्कशंस हुई है अलग अलग पॉलिसी मेकर्स से यहाँ की इंडस्ट्री से, उसका कल्मिनेशन कुछ और होने वाला है। जो इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है, एक जो नॉलेज पार्ट होता है, वो उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे पॉलिसीज बनती है, उससे नए आइडियाज आते हैं नए नए कंपनीज को, उनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब एक और सिंपल सी चीज बता दें, लास्ट टाइम से एक्सपो इस बार ऑलमोस्ट 3x था। एक्सपो में उसके साथ में बिजनेस एक्टिविटी अगर मैंने कुछ लोगों से पूछी, 3 या 4 कंपनी जो क्योंकि मैं पूछ पाया, अगर लास्ट टाइम उनका बिजनेस एक्स था तो इस बार 3x हुआ है इसी इवेंट में। तो ये सारे प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन के लिए, डिस्कशन के लिए, फ्यूचर फाउंडेशन के लिए, ये इश्यू रिजोल्यूशन के लिए नहीं है। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के अंदर जो भविष्य से जुड़ा हुआ डिस्कशन है वो हुआ है, और जो नवीन सूर्या जी का मानना है कि आगे चल के ये और बड़ा होगा, और इसमें जो कोलैबोरेशन थे जिसके डेलिब्रेशन जो है वो हमको भविष्य में देखने को मिलेगा।